उन्नाव में संविदा और ठेका सफाई कर्मचारी अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर नगरपालिका परिषद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल लगभग 4 महीने से वेतन न मिलने के साथ ही अपनी कई मांगों को लेकर 300 सफाई कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार से ठेका सफाई कर्मियों का बढ़कर वेतन आता है, जो कि नहीं दिया जाता है और न आज तक किसी सफाई कर्मचारियों को वर्दी दी गई। साथ ही जो रुपए सफाई कर्मचारियों का फंड कटता है उसके बारे में भी कोई लेखा जोखा नहीं दिया जाता है। अगर नगर पालिका परिषद से जब कोई सफाई उपकरण नहीं मिलेगा तो कर्मचारी किस तरह सफाई करेंगे। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन और अध्यक्ष पर सफाई कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने हम लोगों की बात का संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अभी तो ये अंग्राई है। यहाँ हमारे पिछले 4 महीने से हम अपने नगरपालिका सफाई कर्मचारियों से संबंधित अपनी मांगों को लेकर पत्रावली कर रहे हैं, पर नगरपालिका प्रशासन क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सबसे मेन मांग ये है कि हमारा जो 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया ठेका कर्मचारियों को। कितने कर्मचारी आपके हैं जी? कर्मचारी कितने हैं हमारे? ठेका कर्मचारी 300 कर्मचारी। कब से वेतन नहीं मिला है लोग को? दीपावली से आज तक उनको वेतन नहीं मिला है। तो जब वेतन नहीं मिलेगा तो उनका परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? और क्या क्या दिक्कतें हैं आपके साथ में? जो संविदा कर्मचारियों का जो पीएफ काटा जा रहा है वो पीएफ कहाँ जमा हो रहा है उसका हमें विवरण दिया जाए। ठेका कर्मचारियों का जो पीएफ काटा जा रहा है उसमें विसंगतियाँ हैं। हमें सफाई उपकरण जब मिलेगा नहीं तो हम सफाई कहाँ से करेंगे? शासन हमें मौसमानुसार वर्दी देता है, हमें आज तक 15 साल से संविदा को वर्दी नहीं दी गई है। ये हमारे साथ घोर शोषण किया जा रहा है, जिस कारण आज नगरपालिका प्रशासन के नगरपालिका सफाई कर्मचारी आज विवश होकर हड़ताल पर बैठे हैं और प्रशासन ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। मजबूरन में उसको संज्ञान लेना पड़ेगा, अन्यथा कल व्यवस्थाएँ और भी गंभीर हो सकती हैं।